Assalamualaikum friends, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ भी होंगे बहुत खुश होंगे। आज हमारा सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन टू मास कम्युनिकेशन का लेसन नंबर 30 है, रेडियो अ ब्रेक थ्रू इन मास कम्युनिकेशन। पीपल अराउंड द वर्ल्ड वर बेनिफिटिंग फ्रॉम द न्यूज़पेपर। स्टार्ट में लोगों ने न्यूज़पेपर को बहुत अच्छे से समझ लिया था और इस वजह से उन्होंने बहुत ज्यादा लोगों ने न्यूज़पेपर से फायदा भी उठाया। उसके बाद 15th सेंचुरी और 19th सेंचुरी के मिडल में साइंटिस्ट ने सोचा क्यों ना कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ईजाद किया जाए जिस पर लोग न्यूज को पढ़े ना बल्कि सुन सके, मतलब उसमें पेपर और प्रिंटिंग प्रेस का कोई अमल दखल ना हो, जिसकी वजह से उसके बाद रेडियो ईजाद हुआ। अब हम देखते हैं व्हाट इज रेडियो। रेडियो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के साथ सिग्नल्स को ट्रांसमिशन की इजाजत देती है, सिग्नल्स को ट्रांसपोर्ट मतलब ट्रांसपोर्टेशन में सिग्नल्स की मदद करती है, और उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो लाइट से कम होती है। साइंस ऑफ रेडियो वेव। रेडियो वेव्स आर अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। रेडियो वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एक फॉर्म है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी पोर्शन है आरएफ, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का है, और उसकी रेंज होती है फ्यू टेंस ऑफ हर्ट्ज से फ्यू गीगाहर्ट्ज तक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रेवल करती हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रेवल करती हैं थ्रू अ एयर, हवा के जरिए ट्रैवल करती हैं, लेकिन इनको ट्रांसपोर्ट में किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती। उन्होंने नेक्स्ट बताया कि जो अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अलावा जो दूसरे रेडिएशन हैं, जैसा कि एक्सरेज, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल लाइट्स, इनकी जो फ्रिक्वेंसी है वो आरएफ रेंज से ज्यादा होती है। हाउ द मिरेकल का काम पढ़ेंगे। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डिस्क्राइब की 1873 में, जब इन्होंने जेम्स क्लैरेंस मैक्सवेल को एक पेपर लिखा जिसमें इन्होंने अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की डायनेमिक थ्योरी बताई, और इनका ये काम कंप्लीट हुआ 1861 से 1865 के दरमियान। उसके बाद 1878 में डेविड ने भी सबसे पहले ट्रांसमिट की और फिर रिसीव की रेडियो वेव्स को, और इन्होंने ये सारा एक्सपेरिमेंट नोटिस किया अपने ही होममेड टेलीफोन पर, जो इनका घर में टेलीफोन था, और इसके अंदर इन्होंने वाइब्रेशन को महसूस किया, लेकिन ये अपने काम को साबित नहीं कर सके, जिसकी वजह से सारा हम क्रेडिट रेडियो की इन्वेंशन का मार्कोनी को देते हैं। आगे पढ़ते हैं, मार्कोनी रिकॉग्नाइज्ड एज रेडियो इन्वर्टर। इन्होंने रेडियो का रेडियो इन्वर्टर ईजाद करवाया, और उसके बाद 1897 में फर्स्ट टाइम इस्टेब्लिश करवाया रेडियो स्टेशन को इंग्लैंड में, और इसी साल में यूएसए में भी एक रेडियो स्टेशन इस्टेब्लिश करवाया गया। इन्हें 1904 में अवार्ड से नवाजा गया, लेकिन 1909 में इन्हें नोबल प्राइज से नवाजा गया, जो कि इनकी फिजिक्स कंट्रीब्यूशन की बुनियाद पर इन्हें मिला। इन्होंने वायरलेस टेलीग्राफी की डेवलपमेंट की फिजिक्स कंट्रीब्यूशन में। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अदर वर्क्स एक्नॉलेजमेंट। 1894 में ब्रिटिश फिजिसिस्ट ओलिवर ने सिग्नलिंग की पॉसिबिलिटी और रेडियो वेव्स को इस्तेमाल करते हुए एक डिटेक्टिंग डिवाइस बनाई जिसे कोबलर कहते हैं, और फिर ये एक ट्यूब फिर से फिल किया जाता था आयरन फिलिंग के साथ। ये काम किया टेमिस्टोकल ने इटली में 1884 में। सबसे पहले जो क्रिसमस इवेंट पर जो सबसे पहले ब्रॉडकास्ट की गई हिस्ट्री में रेडियो पर, वो 1906 में हुई, और फिर एक सॉन्ग रिलीज किया गया ओ होली नाइट, ये भी रेडियो के जरिए हुआ। फिर एक जो सबसे पहला प्रोग्राम था जो कि ब्रॉडकास्ट हुआ 31st अगस्त 1920 में। आगे पढ़ते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्राम भी ब्रॉडकास्ट शुरू हुए होना रेडियो पर, और फिर जो आहिस्ता आहिस्ता एडवांसमेंट्स हुई रेडियो के अंदर मज़ीद हम वो पढ़ेंगे। और ये वो एडवांसमेंट्स हैं, मतलब मज़ीद चीज़ें ईजाद होती गई, लेकिन उन सब के अंदर रेडियो का अमल दखल ज़रूर होता था। जो भी चीज़ ईजाद हुई उसके अंदर रेडियो का अमल दखल होता था, इसलिए हम उन्हें कहते हैं कि ये रेडियो की एडवांसमेंट्स हैं। एयरक्राफ्ट जो कमर्शियल्स थे उन्होंने एएम रेडियो कमर्शियल्स को इस्तेमाल किया नेविगेशन के लिए, मतलब वॉइस ओवर वगैरह के लिए एयरक्राफ्ट ने कमर्शियल एएम रेडियो स्टेशन को इस्तेमाल किया। उसके बाद इन द अर्ली 1930s में सिंगल साइड बैंड और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ईजाद हुई बाय एमेच्योर रेडियो ऑपरेटर्स के जरिए, और फिर कमर्शियल मोड्स इस्टेब्लिश किए गए। उसके बाद रेडियो को इस्तेमाल किया गया ट्रांसमिट पिक्चर्स करने के लिए, विजिबल पिक्चर्स को ट्रांसमिट करने के लिए एज अ टेलीविजन। मैंने पहले भी बताया कि चीज़ें मुख्तलिफ ईजाद हुई, लेकिन हम इसलिए उसे एडवांसमेंट में ले रहे हैं क्योंकि इनका रेडियो का इसके अंदर अमल दखल ज़रूर होता था। उसके बाद फिर स्टैंडर्ड एनालॉग ट्रांसमिशन स्टार्ट हुई नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में 1940s में। 1954 में रिजेंसी ने इंट्रोड्यूस करवाया एक पॉकेट ट्रांजिस्टर रेडियो, जो कि पॉकेट में भी हम रख सकते थे, और उसकी बैटरी के आगे उन्होंने वोल्टेज बताया।
1960 में सोनी ने इंट्रोड्यूस करवाया ट्रांजिस्टराइज्ड रेडियो, जो कि बहुत ही छोटा साइज का था, जिसे अपनी वेस्ट पॉकेट में भी फिट किया जा सकता था, रखा जा सकता था। 1963 में जो कलर टेलीविजन हुआ करते थे उन्हें कमर्शियली ट्रांसमिट किया गया, और फिर फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट और टेलस्टार को लॉन्च किया गया। उसके बाद 1960s में US लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन नेटवर्क बिगन टू कन्वर्ट टू अ डिजिटल नेटवर्क। जो नेटवर्क होता था सिंपल, उसे डिजिटल नेटवर्क में कन्वर्ट कर दिया गया, और लॉन्ग डिस्टेंस पर टेलीफोन पर एक दूसरे से बात की जा सकती थी, एक मुल्क से दूसरे मुल्क बैठे शख्स से हम गुफ्तगू कर सकते थे। 1970s में लॉरन जो था वो एक प्रीमियर रेडियो नेविगेशन सिस्टम बन गया, जिसे US नेवी इस्तेमाल किया करती थी सैटेलाइट के तौर पर। उसके बाद 1990s में एमेच्योर रेडियो एक्सपेरिमेंट्स ने काम शुरू किया, और इससे पर्सनल कंप्यूटर्स पर काम शुरू किया, और ये एक रेडियो सिग्नल प्रोसेस में ऑडियो कार्ड्स को इस्तेमाल करते हुए इन्होंने पर्सनल कंप्यूटर का आगाज किया। इन 1994 में US आर्मी और डेप्ट्रा लॉन्च किया। US आर्मी और डार्पा ने एक अग्रेसिव और सक्सेसफुल प्रोजेक्ट लॉन्च किया। फिर डिजिटल ट्रांसमिशन बिगन टू बी अप्लाई टू ब्रॉडकास्टिंग इन द लेट 1990s। सबसे लास्ट में 1990s में डिजिटल ट्रांसमिशन पर काम किया गया और इसका आगाज हुआ। अब हम पढ़ते हैं वर्ड ग्रैप रेडियो फॉर रेंज ऑफ फ्यूजेस। अब हम यहाँ पर दो ब्रॉडकास्ट के बारे में पढ़ेंगे, AM और FM ब्रॉडकास्ट। AM ब्रॉडकास्ट रेडियो सेंड करती थी म्यूजिक और वॉइस को मीडियम फ्रीक्वेंसी में, और इस लाउडर साउंड को इस फ्रीक्वेंसी को इस्तेमाल करते हुए लाउडर साउंड में एक फ्लक्चुएशन पैदा की जाती थी, और लेकिन फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती थी। लेकिन जो FM ब्रॉडकास्ट रेडियो थी वो सेंड करती थी म्यूजिक और वॉइस विद हायर फिडेलिटी, क्या लिखा हुआ, फिडेलिटी देन AM रेडियो। कहते हैं कि AM रेडियो जो था उसकी निस्बत जो FM है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती थी। इसके फिर FM को ट्रांसमिट किया गया वेरी हाई फ्रीक्वेंसी में, और FM रिक्वायर्स मोर रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेस देन AM, जो मैंने पहले भी बताया आपको। उसके बाद फिर इसका इफेक्ट ये हुआ कि FM की स्पीड जो थी वो लाइट, इसकी ट्रैवलिंग स्पीड लाइट के बराबर थी, जितनी स्पीड लाइट की होती है। फिर उसके बाद एविएशन ने, एडमिराइंस वगैरह ने FM की फ्रीक्वेंसीज को इस्तेमाल किया। उसके बाद टेट्रा टेरेस्ट्रियल ट्रंक रेडियो ने एक डिजिटल सेल फोन सिस्टम के तौर पर मिलिट्री, पुलिस और एम्बुलेंस वगैरह के लिए इस्तेमाल होने लगा। सिविल और मिलिट्री ने HF फ्रीक्वेंसी को इस्तेमाल किया वॉइस सर्विसेज वगैरह के लिए। गवर्नमेंट, पुलिस, फायर एंड कमर्शियल वॉइस सर्विसेज, मतलब आहिस्ता आहिस्ता FM और AM का इस्तेमाल होने लगा हर चीज में। जहाँ ज्यादा फ्रीक्वेंसी की जरूरत होती थी वहाँ FM को इस्तेमाल किया जाता था, जहाँ थोड़ी कम की होती थी वहाँ AM को इस्तेमाल किया जाता था। नेक्स्ट है व्हाट टू ब्रॉडकास्ट। सबसे पहले अर्ली में रेडियो स्टेशन को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ ने रेडियो की मदद की एक प्रोग्राम वगैरह बनाने के लिए। और ब्रॉडकास्ट असल में कहा जाता है कि आप कोई भी न्यूज़ या एंटरटेनमेंट लोगों तक पहुंचाते हैं स्पेसिफिक नेचर में। फिर रेडियो स्टेशन का आगाज जब हुआ था पाकिस्तान में, तो सबसे पहले ट्रांसमिशन हुई थी तलावत कुरान की, और उसके बाद फिर दूसरी सोसाइटीज में भी अपने अपने रिलीजियस के बारे में बताना शुरू कर दिया रेडियो पे। फिर जब बहुत ज्यादा प्रोग्राम्स होने लगे तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम टाइम को डिस्ट्रीब्यूट किया गया कि फॉर रिलीजियस प्रोग्राम्स के लिए इस वक्त काम किया प्रोग्राम चलाया जाएगा, न्यूज को इस वक्त एंटरटेनमेंट के लिए जहाँ म्यूजिक प्ले, चिल्ड्रन और वुमेन वगैरह के मतलब सब कुछ ऑनर किया जाता था वो इस टाइम होगा, और एजुकेशन मतलब हर किसी को किस टाइम पर ऑनर किया जाएगा उसका अलग अलग वक्त मुकर्रर कर दिया गया। तो ये था हमारा आज का लेसन, मैंने आपको समझाने की अपनी पूरी कोशिश की। अगर आप लोगों को फिर भी कोई बात समझ ना आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको जवाब दे सकूं। और अगर मुझे कोई गलती हुई हो मुझसे तो माफ़ कीजिएगा। अगर आपको मेरे लेक्चर समझ आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।